हमें बड़ी खुशी होगी, इन्होंने कुर्बानी दिया निहाल हाशमी ने, लेकिन निहाल हाशमी को लिफ्ट कोई नहीं है, बेचारा कोशिश कर रहा है अपने तौर पर, लेकिन याद रखिएगा लोड शेडिंग है, 17 महीने इनकी हुकूमत थी, सर्दियों में लोड शेडिंग, आप सोचे तो सही ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग वहां सिवाय लूट मार और ना वो चाहे मोटरवे ले लें, चाहे मेट्रो ले लें, वो सारे लूट मार के प्रोजेक्ट थे। नवाशी पाया है जलसा सिर्फ एक कर सका लाहौर के अंदर, सारा रेंटे क्राउड 10% लाहौर का क्राउड, और उसके बाद कोई नहीं, वो बैठा हुआ कमरे में बैठकर इंटरव्यू करता पड़ रहा है, अब आपको बेवकूफ बुलाता है। ना निहाल हाशमी साहब का मतलब ये है, शाह से शाह के वफादार हैं, इनको बुलाते हैं नहीं। मगर शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह की है कि मैं बल्दिया टाउन की गली लाहौर जैसे बनाऊंगा, वो तो पलट के आई नहीं। बड़ी वादे तौर पर है इमरान खान साहब, इंशाल्लाह 15 जनवरी से पहले अब रह गया है, सिर्फ एक रह गया तुषा खाना वगैरह की जमानते होकर इंशाल्लाह वो बाहर आ रहे हैं, ग्राउंड पे रहेगा, इलेक्शन भी लड़ेंगे और सबसे बड़ी जमात के तौर पर इंशाल्लाह उभरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस तरह नून लीग ने इस मुल्क के ख़जानों को लूटा और लंदन में फ्लैट खरीदे और अब फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर इक्तदार में आना चाहते हैं, इस पर आज पीटीआई के सीनियर कानूनदान अज़र सदीक ने लाइव शो में नून लीग के चले निहाल हाशमी को लाइव शो में ऐसा बेइज्जत किया कि निहाल हाशमी की चीखें सुनने को मिली। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। जनाब, आप किस परफॉर्मेंस के ऊपर इलेक्शन में जाएंगे, आपके पास क्या नारा होगा? देखिए, 3-4 बड़ी वाजे बातें हैं। मैं सिर्फ चुके अपने मधु खेल को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस कॉन्टेक्स्ट में, देखिए उन्होंने अपने कहीं जितना वो कर सकते थे इसमें कोई शक नहीं है। NICVD में चुके जाता रहा, तो निहाल हाशमी साहब भी वहां बहुत जबरदस्त काम किया, तारीफ करनी चाहिए। गवर्नमेंट में जो काम हुआ हेल्थ के हवाले से बहुत जबरदस्त काम हुआ। देखिए, इस वक्त इशू ये नहीं है, इस वक्त इशू जो है ना कि वजह ये है कि यहाँ इस मुल्क में हुकूमत करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो मुल्क में हुकूमत की नहीं, इनके तो जलसे जुलूस सारे दुबई में, कतर में या लंदन में, वही कुछ देखते रहे ना। आप यहाँ बताए ना पाकिस्तान के अंदर क्या, और हमने पाकिस्तान में क्या किया है? 6 बड़ी चीजें आपके सामने रखते हैं। हेल्थ में जो इंकलाब आप लेके आए, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से और हेल्थ प्रोग्राम जो, हेल्थ कार्ड जो बनाया, तारीख में लिखा गया है, साफ प्रोग्राम के हवाले से देखिए आम आदमी की तक कहां से कहां लिखा गया, फिर जो सड़कें बनाई, फिर यूनिवर्सिटियां बनाई, सब यही नहीं है। आप देखिए 3-4 चीजें बड़ी अहम है, मोटरवे से बनती है, पोर्ट से बनती है, आपने आप लंगर खाने बोल रहे यार, वोटर आनी चाहिए लंगर खाने यार, किसी भी कौन में यार अच्छी बात आप आपने भारी निकाल लिया। बात कर ले न्याल साहब, जरा बात कंप्लीट कर दे, फिर आप स्पॉट कीजिएगा। आप मुझे शर्मिंदगी हो रही है, आपको नहीं हो रही, मुझे ताज्जुब है। बुरी तरह से सामने आके फंस गया है, अब जरा सुने मेरी बात, जो है वो बेचारे फारूकी साहब के जो प्रोजेक्ट है, क्या नाम है उसके, JDC वगैरह का, और वो सैलानियों का, आप अपना बताएं, सैलानियों का जो फंड था लंगर खाना बेचारों ने, जो गरीबों उस पे भी जाके आपने कब्जा कर दिया एनजीओ के प्रोजेक्ट के ऊपर, लंगर खाने वजीर आजम का काम है लंगर खाने चलना। किसी ने का कान कुत्ता लेके भाग गया, हमने देखना नहीं है, हम पागल बनाए जा रहे हैं, कौन पागल ही बनने वाली है इनसे। उस मोटरवे की बात करते हैं जिसमें करप्शन इतनी थी, और उस मोटरवे के बाद तबाही क्या की है, असल में जो काम उस वक्त होने वाले थे वो बनने वाले थे अपना अपना बुलेट ट्रेन का काम बनवा रहे थे। आपका PIA तबाह हो गया, आपका रेलवे तबाह हो गया, किसने का क्या किया इन्होंने, इन्होंने इन्होंने आप बता लगा हेल्थ लंगर खाना से कॉमन नहीं बात कर दिया, इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सुनिएगा, इन्होंने आपकी लोड शेडिंग कितनी कर दी आप खुद सोचने बैठकर, इन्होंने ऑयल का पेट्रोलियम की प्रोडक्ट में 70% तक सेल्ट करो। चले निहाल साहब से जवाब ले लीजिए, निहाल साहब आप बात मुकम्मल करें जी। निहाल साहब कमाल हो गया, यानी यहाँ बैठकर बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई नजर आए अजर भाई निहाल साहब को बात करने दे, आपका पॉइंट आ गया। निहाल साहब को रोजगार भी दिया, नवाज शरीफ को यारो गैस भी दिया, पोर्ट भी बनाया, एयरपोर्ट भी बनाया, कराची एयरपोर्ट भी नवाज शरीफ ने दिया, दोबारा आराम से बात कर, लाहौर समझता है, नवाज शरीफ के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं बैठे, नवाज शरीफ पर मैंने हुजूर बात की जा रहा है, ओ भाई देंगे तो एयरपोर्ट नवाज शरीफ की मार का है, कोई बात नहीं, तरक्की नवाज शरीफ पे दौर पे दिया गया, सारे दोनों तरक्की नवाज दोनों मौजूद मेहमान है, एक एक करके बात कर ले। अजर भाई अपना बात करने दे, निहाल साहब से बात करने दे, फिर आप
आपसे भी बात करते हैं। निहाल साहब आप बात मुकम्मल करें। कहां पाकिस्तान को दिफाई तौर पे प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम और शेयर धक्का देने वाला और कहां पाकिस्तान से दिफाई। चले आप दोनों का पॉइंट आ गया। कादिर बंदो खेल साहब आप ये बताएं कि ये क्या कोई अनोखा इलेक्शन होने जा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अवामी सर्वेज हैं, जो मीडिया चैनल सर्वेज ला रहे हैं, उसको जो है उस पर पाबंदी लगाई गई है, कोई अनोखा इलेक्शन है? इससे पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं 2013 में 18 में, इस तरह के सर्वेज आते रहे, इस बार क्या चीज अजीब है जो इस पर पाबंदी लगा दी है? देखिए देखिए मैंने तो आपसे पहले ही सेगमेंट में ये कहा की यहाँ इलेक्शन शेड्यूल कानून, निहाल हाशमी साहब ये दोनों मेरे भाई वकील है, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस है, जरा खामोश कराइए भाई, अब मुझे करने दो बात। जी जी, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है कानून, बहुत कम टाइम है जी, जवाब देता हूं। हां, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तो तरक्याती काम और ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी लगाई जाती है। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने मेरे 50 करोड़ पानी की लाइनें जो 2 साल पहले मंजूर हुई थी उस पर पाबंदी लगा ली। ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लगाने के बावजूद निगरान हुकूमत ने तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके आईजी तक सब बदल दिए। इलेक्शन कमीशन मुंह देख रहा था, ठीक है। दूसरी तरफ पंजाब में तरक्याती काम चल रहा है, तमाम में मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए लोग अभी तक मौजूद है। तो मैं ये समझ रहा हूं, मैंने पहले आपसे कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस तरह चीजें करने से जो जेन्युइन इलाके है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो जेन्युइन वोट मिलता है, उनको भी मशकूक बना रहा है। तो खुदारा इस चीज को ना करे। आप इस तरह की चीजें करके हो तो आप क्या साबित करे हो? आप ये करें, सवाल ये, आप एक पार्टी को रेड कार्पेट बिछा के और बाकी की जो ना गलत घूंट रहे हो, तो इस तरह इलेक्शन तो नहीं होगा। वो पश्तों के कहावत है साल के बारे में कि एक साल मुझ पे तुम गुजर जाएगा, मैं तो तुम्हें गुजार लूंगा, लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। गड़ियादर साहब ये बताइएगा, प्लान ए बी सी डिफरेंट प्लान बना रखे हैं आपने, इस टाइम कौन से प्लान पे अमल हो रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना बड़ी खिदमत है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ। यानी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब शहादत है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, और उन्होंने ग्राउंड पे काम किए पाकिस्तान मुस्लिम लीग मां सिवाय लूट मार, और देखा ना वो चाहे मोटरवे ले लें, चाहे मेट्रो ले लें, वो सारे लूट मार के प्रोजेक्ट थे। ग्राउंड पे उसका कोई फायदा नहीं हो सका आज तक। हमसे पूछे ना मेट्रो ऑरेंज, हम लाहौर में है ना, हमें पता है ना कि मेट्रो ऑरेंज ने यानी आपने 350 रुपए जाया कर दिया। निहाल साहब मौका ले लें, अजहर साहब का, अजहर साहब देखना, निहाल हाशमी साहब का मतलब ये है, शाह से शाह के वफादार हैं, इनको बुलाते हैं नहीं, ये कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है, ये आसो बैठा होता है ना, निहाल हाशमी नहीं बैठा होता वहां पर। जिस दिन निहाल हाशमी वहां बैठा होगा हमें बड़ी खुशी होगी, इन्होंने कुर्बानी दिया निहाल हाशमी ने, लेकिन निहाल हाशमी को लिफ्ट कोई नहीं है, बेचारा कोशिश कर रहा है अपने तौर पर। लेकिन याद रखिएगा, कौम ने सच देखना है, सच समझिएगा, 40 साल प्रोजेक्ट में दिया गया इन्होंने, इन्होंने लोड शेडिंग, आज देखे सर्दी है, लोड शेडिंग है, 17 महीने इनकी हुकूमत थी, सर्दियों में लोड शेडिंग, आप सोचे तो सही ना। हमने क्या किया, हमने हेल्थ कार्ड बना दिया, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाना आम आदमी, और फिर कोरोना के दिनों में इकोनॉमी कहां से कहां ले गए। लेकिन मैं इन चीजों में अभी नहीं पढ़ना चाहता, अभी जरा समझिएगा अभी वजह क्या है। जब कहने के लिए कुछ नहीं, हम झूठ कितना बोलेंगे, यानी वो सियासी जमात जिसका ग्राउंड पे है ही कुछ नहीं है, यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये 21 अक्टूबर के बाद नवाज शरीफ आया है, जलसा सिर्फ एक कर सका लाहौर के अंदर, सारा रेंटे क्राउड 10% लाहौर का क्राउड, और उसके बाद कोई नहीं, वो बैठा हुआ कमरे में बैठकर इंटरव्यू करता पड़ रहा है, अब आपको बेवकूफ बनाता फिर, और भाई ग्राउंड में निकल के जाके दिखाओ, बताओ कि वोट लेने के लिए है, तुम लोग तो इलेक्शन कराने नहीं चाहते, और इलेक्शन कराना चाह रहे होते तो ग्राउंड, यानी ग्राउंड में जो मैं बात बता रहा हूं कि इस वक्त वजह क्या है कि आप देखें, मानना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दिक्कतों और मुसीबतों और मशलों में चल रही है, लेकिन वोटर उनका आज भी खड़ा है। मैं खुद गया हूं अपने इलाके के अंदर, वहां जाके लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह निकली है, बिलावल भुट्टो जिस तरह ग्राउंड में निकले हैं, इन्होंने देखे एक जमहूरी तरीके से, इन्होंने ये नहीं किया कि पाकिस्तान तरीके साहब के साथ ज्यादा हो रही है, सपोर्ट करें उनको, इन्होंने कहा प्लेइंग फील्ड दे, लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये बैठकर, और जो देखिए इन्हें पछतावा भी है कि जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स तहरीके इंसाफ के साथ हुआ बड़ी ज्यादती हुई है, और ये लेकिन आप अंदाजा लगाए वो इसको बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। वो भाई अभी तक देखे जो 9 मई का वाकया हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत है, लेकिन किसी अदालत ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया, जो वाकया हुआ सारी पुरजोर मजम्मत है, लेकिन क्या हो गया, ये तो सारा कुछ कम हम देख रहे हैं, आंखें देख रही हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन ये ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती मौका था इनके पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ा बेहतरीन मौका था ये जमहूरियत को मजबूत करने में, हालांकि वजह क्या है कि इन्होंने वोट को इज्जतों का नारिया जमीन के चले, नून लीग के पास मौका था। आप तो अपना बता दें, आप किस प्लान पे खड़े हैं, प्लान ए बी सी जो हालात है, क्या इलेक्शन के बायकॉट की तरफ भी जा सकते हैं? पहली बात तो बड़ी वादे तौर पर है, इमरान खान साहब इंशाल्लाह 15 जनवरी से पहले अब रह गया है, सिर्फ एक रह गया है, तुषा खाना वगैरह की जमानते होकर इंशाल्लाह वो बाहर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बल्ला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हक है, किसी सियासी कोई माई का लाल नहीं है, किसी सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है, इनको डर है कि बल्ला ग्राउंड पे रहे, बल्ला इंशाल्लाह ग्राउंड पे रहेगा, इलेक्शन भी लड़ेंगे और सबसे बड़ी जमात के तौर पर इंशाल्लाह उभरेंगे।
लेकिन हम किसी भी मुल्क दुश्मन सियासी जमात या ऐसे लोगों के जिन्होंने लूट मार की हो, इस मुल्क के साथ तबाही की हो, उसका शायद हम साथ ना दे सके। निहाल हाशमी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि साबिक वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, वो अवाम में उस तरह से नहीं निकल रहे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब दिखाई दे रहे हैं, कराची भी जा रहे हैं, शेखुपुरा भी गए हैं, जंग भी गए हैं, लेकिन मियाँ साहब से बोर्ड मीटिंग तक ही महदूद है। अवाम में कब आएंगे? मियाँ नवाज शरीफ साहब इनके तरह कोई फारिग बैठे हुए नहीं थे, ये उन्होंने 2800 लोगों को इंटरव्यू करते रहे और एक एक जो मेंबर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, एक एक कारकुन से लेकर क्यादत तक, और पूरी बोर्ड 33 लोग बैठी होती थी, आपने मीडिया में देखा होगा, एक एक आदमी को पूरा पूरा मौका दिया गया। ये इनके तरह नहीं है कि जो जिसने कहीं पे जाकर के गाली गलौज कर दी या सोशल मीडिया पे बदतमीजी कर दी तो उसको टिकट दे दिया जाए। आपने तीनों मेहमानों की गुफ्तगु सुनी। अजहर सदीक ने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ जब जब इक्तदार में आया, इसने अवाम का पैसा लूटा, कभी मोटरवे बनाकर तो कभी ऑरेंज ट्रेन बनाकर, जिसका अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मगर नवाज शरीफ ने इन बड़े प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए की करप्शन की और अवाम के पैसे को लूटा। अजहर सदीक ने निहाल हाशमी को लाइव शो में कहा कि निहाल हाशमी ने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ ज़रूर दी हैं, मगर निहाल हाशमी को पार्टी में कोई लिफ्ट नहीं, ये आज भी धक्के खा रहा है। अजहर सदीक ने बातों बातों में निहाल हाशमी को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। अजहर सदीक ने बिल्कुल ठीक कहा कि नून लीग पिछले 40 साल से इस मुल्क पर मुसल्लत है, ये शरीफों का ख़ानदान अरबपति बन गया जबकि मुल्क कर्जों के नीचे दबा हुआ है। आज अरबपति हुक्मरान दूसरे मुल्कों में जाकर कहते हैं कि हम भिखारी हैं, मेरी कौम भिखारी है और मेरा मुल्क बहुत ज़्यादा गरीब है। इनसे कोई ये पूछे कि इस कौम को भिखारी तो तुम लोगों ने बनाया है और आज फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर ये इक्तदार हासिल करना चाहते हैं, मगर नवाज शरीफ की हकीकत अवाम अब देख चुकी है। ये लंदन से डील करके आया है, ये कहते हैं कि हम इस मुल्क को ठीक करेंगे, जिनको अवाम देखना नहीं गवारा करती वो मुल्क को भला क्या ठीक करेंगे। नवाज शरीफ ने आते ही लाहौर में अब तक एक जलसा किया जिसमें 12 करोड़ रेंट का था, इसके बाद अभी तक इन्हें हिम्मत नहीं हो रही कि ये अवाम में निकलें और कोई जलसा करें, क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन ये अवाम में जलसा करने के लिए निकलेंगे उस दिन नवाज शरीफ की मकबूलियत का पोल खुल जाएगा और ये नून लीग बेनकाब हो जाएगी, क्योंकि अवाम जूते और गंदे अंडों के साथ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने ठान ली है कि 16 माह इनकी हुकूमत ने जो इनकी दुर्गत बनाई, अब अवाम उनका इसी तरह बदला लेंगे। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।